का है, एक सेकेंड, पीछे सीट बेल्ट का है, यहाँ पे साइंस का है, सिंबल्स का है, तो इसका नाम इन्होंने हेलमेट लिखा है, इसका नाम हमने रोड किंग रखा है, सड़क रक्षक। आज के मेहमान अपने मुबारक हाथों से बच्चों में तस्लीम करेंगे। बड़े इम्पोर्टेंट रोड होते हैं सर यहाँ पर, तारीफ करते हैं, वेलकम करते हैं। ये बड़ी मुसर्रत की बात है कि आज गांव के पसमानदा आवाम तक, किसानों तक ये स्कीमें जो हैं उनकी सहूलियात पहुंचे, उसका जायजा लिया जाए कि क्या उन लोगों को इसका फायदा हो रहा है, ये कैसे किस तरीके से चलाई जा रही है पंचायती राज। मिनिस्टर को अलग से ब्रीफ कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हम अभी जम्मू से लेकर यहाँ तक गाड़ी में बैठे थे, आप सब ने बड़े जोश के साथ नारा लगाया। मैं तो इस इलाके में बहुत सालों से घूम रहा हूँ, थोड़ी आवाज अगर बुलंद होती तो और मजा आता। एक बार जरा बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की। देखिए फौजियों के अंदर एक रोष होता है, उनको हमारे कितने फौजी बैठे हैं यहाँ पे, पुराने हाथ उठाओ, इस इलाके में बहुत है हाथी जगह, हम लोगों को बहुत दूर तक दिखाई देता है, सुनाई कम देता है लेकिन दूर तक दिखाई देता है, तो इसलिए पता चल जाता है कि कौन नारा लगा रहा है कौन नारा नहीं लगा रहा है, भारत माता की। देखिये मेरे आने का मकसद और हमारी मरकजी सरकार का लोगों को यहाँ पर भेजने का मकसद ये नहीं है कि हम आपके पास आए और कोई भाषण दें और कोई सियासी बात हो, हमारा मकसद एक है कि जो बदलाव आया है, जिस तरीके से बदलाव आया है, उसका जमीन के ऊपर क्या असर हो, क्या आपके जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है, क्या आपके कामों के अंदर बेहतरी आई है, क्या कुछ आपको कमी दिखाई देती है, मैं वो जानने के लिए आया और मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं आपके बीच में घूमकर आपसे बातचीत करूं, ताकि मुझे पता लगे कि चीजें किस तरीके से चल रही। देखिए मरकजी सरकार की कोशिश है कि जो चीजें रुकी हुई थी, जिन चीजों के ऊपर अब तक पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जाती, उनके ऊपर कैसा काम चल रहा है। और मुझे खुशी हुई जब पीयूष जी ने बताया कि जो हमारा पंचायती सिस्टम है, जो किसी भी डेमोक्रेसी का बुनियादी पत्थर है, वो बड़े अच्छे तरीके से यहां पर चल रहा है। किस तरीके से पीडीसी के अंदर काम हुए हैं, किस तरीके से आपके हकूक और हक आपको मिले हैं, कैसे हर चीज के अंदर आप आगे चल रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान गोल्ड कार्ड है, आयुष्मान यानी कि 5 लाख तक की आपको अगर अपने इलाज के लिए मदद चाहिए तो आपको सरकार वो देती है। तो ये जो चीजें जिस तरीके से चल रही है, जिस तरह पेंशन के काम है, पहले पेंशन रुकी हुई थी लोगों की, अब पेंशन सबकी बराबर मिल गई है, होंगे कुछ लोग ऐसे जिनको शायद ना मिली हो, और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा इंतजामिया है इसके ऊपर पूरे तरीके से तवज्जो देगा कि जो चीजें मिलनी चाहिए एक आम आदमी के लिए, जो भी स्कीम बनी है, जो भी योजना बनी है, उसके तहत वो उन तक जरूर पहुंचेगा। यहां तक आपको अपने इंतजामिया के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? देखिए हमारे इधर से लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, इधर से सब लोगों के हाथ खड़ा, मिल रही है कि नहीं चीजें? मिल रही है ना, क्योंकि जितनी चीजें मुझे दिखाई गई मुझे पूरा यकीन हुआ कि बहुत काम हो रहा है।
और मुझे इस चीज का भी यकीन है कि आगे काम और होगा। मैं जब खुर्शीद जी के साथ चल रहा था गाड़ी में, तो मैंने उनको कहा कि मैं 1960 से इस रोड को देख रहा हूं। 1960 में मेरे पिता जो है वो उधमपुर के अंदर पोस्टेड थे और उस टाइम सिर्फ 15-4 हुआ करती थी, यहां से ऊपर से लेके नीचे पठानकोट था। मैं तब से इस इलाके को देख रहा हूं और उसके बाद बहुत बार आने का मौका मिला, अपने सर्विस के दौरान भी बहुत बार आने का मौका मिला, और जब भी मैं आया हूं एक चीज मुझे नजर आई है कि कुछ ना कुछ तरक्की इलाके में हुई। और अब जबकि ये जो दिक्कत आती थी कई बार मरकजी सरकार को चीजें पहुंचाने के अंदर, वो भी दूर हो गई है और चीजें आपको आसानी के साथ मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि आपके जीवन स्तर में, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें हो। स्कूल का मैं ढांचा देख रहा हूं, मानकर चलिए जितना अच्छा आपका स्कूल दिखाई दे रहा है उतना भारत के और प्रदेशों में अच्छा स्कूल नहीं दिखाई दे रहा। जो चीजें जिस तरीके से आपके आंगनवाड़ी वाले काम कर रहे हैं, या जिस तरीके से किसानी के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से और अच्छी चीजें करें, बहुत अच्छा काम है। और मेरा मानना है कि ये धीरे धीरे चीजें जो है इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। और जितनी सड़कें मुझे बताई जिले की तरफ से और खुर्शीद जी ने, उन सबके ऊपर धीरे धीरे काम हो रहा है। कुछ पैसे की कमी है, जब मैं पीछे जाऊंगा ये फीडबैक देने के लिए तो उनको बताया जाएगा कि कैसे इन चीजों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हर इलाके के अंदर अच्छी सड़क ना पहुंचे तब तक जीवन स्तर में बदलाव नहीं आता। इसी तरीके से अगर हर घर में बिजली ना पहुंचे ठीक तरीके से और आपको 24 घंटे बिजली ना मिले तो कोई बदलाव नहीं है। अगर आपके इलाज की सुविधाएं अच्छी नहीं है तो आपको लगेगा कि कोई बदलाव नहीं आया। और कोशिश इनके ऊपर ज्यादा है, कोशिश है कि इन सब चीजों के अंदर सुधार हो, कोशिश है कि आपकी मदद से और आपके इंतजामिया की मदद से इन चीजों के अंदर और अच्छाई की जाए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सब लोग जो इस इलाके के रहने वाले हैं, आप सब लोग बहुत जागरूक हैं, सबको पता है क्या करना है, सबको पता है कि कितनी अगर सब लोग मिलकर इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो इलाके के अंदर क्या बदलाव आ सकता है। और ये आपके इलाके की एक खसूसियत है जो और कई इलाकों के अंदर नहीं है, बहुत से इलाके ऐसे जहां ऐसा नहीं है। और सबसे बढ़िया बात एक और है कि आपके इलाके में एक्स फौजी बहुत है जो कि रिटायर होकर आए हैं, जो कि आपके लिए काम कर सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं और आपके लिए खड़े होकर इंतजामिया के अंदर चीजों को पहुंचा सकते हैं। ये जो बदलाव है मैं चाहूंगा कि आप उसके भागीदार बने, उसके हिस्सेदार बने। उस बदलाव के अंदर आपकी जब तक आप उसके अंदर शरीक नहीं होंगे खुद अपने आप, तब तक वो बदलाव आपको बदलाव नजर नहीं आएगा। और मेरा मानना है कि अगले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल इस इलाके का नक्शा बदल गया। आपकी जम्मू की रोड रिंग रोड बन रही है और जगह पर कोशिश है, अभी पॉइंट दिया रेल रुकने के लिए, उस पॉइंट को लेकर जाएंगे कि कैसे उसका फायदा आपको मिले, टूरिज्म के लिए कैसे नौजवानों को कोई ना कोई नया अवसर मिले। बहुत सी चीजें आप लोगों के माध्यम से मेरे पास आई हैं और जितनी और चीजें अगर आपको कुछ भी याद आता है तो डीसी साहब को दीजिएगा, वो मेरे पास पहुंचा देंगे ताकि इन चीजों को हम आगे लेकर चल सकें। देखिए बदलाव तो अब आया पिछले 6 महीने के अंदर,
इससे पहले क्या हुआ आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और इसीलिए ये जो बदलाव आया है ये ऐसा बदलाव है जिससे सबको फायदा होगा। तो फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस चीज का यकीन दिलाएं कि हम सब लोग साथ चलने को तैयार हैं, और ये यकीन तब आएगा जब आपकी तरफ से बुलंद आवाज में नारा लगेगा, भारत माता की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है वो